इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। रविवार को प्रदेश की राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोर्ट्स सेल द्वारा रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में कांग्रेस खेल प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, मेजर ध्यानचंद और झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, योगेंद्र शर्मा, दिनेश पटेल सहित अन्य नेताओं के स्मृति में छत्तीसगढ़ के 1500 से भी ज्यादा खिलाड़ी, अधिकारियों, प्रशिक्षकों व खेल पत्रकारों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत आरजे रमझाझर न्यूज द्वारा बनाए गए झीरम घाटी नक्सली हमला पर विशेष रिपोर्ट की प्रस्तुति के साथ किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी स्पोर्ट्स सेल के प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन एवं जांगीर चापा के जिला अध्यक्ष कराटे मनोज यादव ने बताया कि इस कार्यक्रम का यह दूसरा वर्ष है जिनके जरिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने सहित अपने जिले, राज्य और देश का प्रतिनिधित्व कर नाम रोशन करने वाले लोगों को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया, जिससे इनके हौसलों में बुलंदी आ सके और वो पूरे जोशो जुनून के साथ अपने लक्ष्य में कामयाब हो सके। जो कार्यक्रम आपने किया है, कितने समय का ये आपका प्रयास रहा है? लगातार 2 महीनों से हम इसके लिए प्रयासरत हैं। हमने ऑनलाइन फॉर्म मंगाया, सभी खेल संघों से हमने नाम मंगाया, हमने मैनुअल भी फॉर्म खिलाड़ियों से लिए। 17 तारीख तक हम लोगों ने नाम कलेक्ट किया, लेकिन खिलाड़ियों के दबाव पे हमने आज सुबह तक भी नाम शामिल किया और अभी भी हम नाम शामिल कर रहे हैं। हम किसी भी खिलाड़ी को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहते। ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की शान है खिलाड़ी, और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ का नाम ये पूरे वर्ल्ड में, विश्व में जाकर ये हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। हम ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान करके हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो अब तक कितने बच्चों को सम्मानित किया जा चुका है? इस पूरे सम्मान समारोह में 1500 से ज़्यादा खिलाड़ियों को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। प्रदेश के राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, क्षेत्रीय स्तर के खिलाड़ियों को हम यहाँ पर, जो मेडलिस्ट हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, हम सबको बुलाए हैं और उनको सम्मान कर रहे हैं। ये बताइए, कौन से जिले से, छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से सर्वाधिक खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं जिनको आपने सम्मानित किया? देखिए, बस्तर में बहुत बड़ी संभावना है। बस्तर में क्वालिटी प्लेयर्स हैं, वहाँ के खिलाड़ी मजबूत और ताकतवर होते हैं, और इसके अलावा सरगुजा में भी बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन अभी जो खेल का डेवलपमेंट हुआ है, अभी देखा जा रहा है रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग बहुत ज़्यादा गया, तो राजनांदगांव में थोड़ा बहुत क्रेज है, और बाकी जगहों में खेल की सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं नहीं है। सरकारी स्तर पर हम काम कर रहे हैं, विश्वविद्यालय खोलने जा रहे हैं, हम स्पोर्ट्स काउंसिल का गठन कर दिए हैं, हम सारे पूरे विद्यालयों में खेल कोचेस की नियुक्ति कर, 1500 से ज़्यादा खेल कोचेस हम नियुक्त कर रहे हैं, 61 खेल प्रशिक्षकों की हम नियुक्ति कर रहे हैं, 70 खेल अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य यह है कि हम छत्तीसगढ़ में एक खेल का वातावरण बना सके, ताकि हमारे जो प्रदेश जूझ रहा है एक मेडल के लिए, हम छत्तीसगढ़ में एक ओलंपिक का मेडल नहीं ला पाए हैं आज तक, और हम उसको लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मनोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि खेल को लेकर आपका दृष्टिकोण कैसा है? इस खेल जो सम्मान अभी किया जा रहा है आपके द्वारा, ये इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया को शुक्रगुजार हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, और इस खेल में लगन से हमारे जितने भी साथी आए हुए हैं सबको मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। जी, तो आप जैसे सकती से जिला अध्यक्ष हैं खेल को लेके, सकती में खेल को और बढ़ावा देने के लिए आप क्या कुछ विशेष करना चाहेंगे? इसके लिए मैं बहुत ही प्रयास कर रहा हूँ, और मैं जो भी स्कूल यहाँ चला रहा हूँ, मैं सकती जिला जांजगीर चांपा में निशुल्क ही सिखा रहा हूँ, और ये करीब 25 साल से निशुल्क सिखा रहा हूँ सर। क्या लगता है आपको कि बच्चे संतुष्ट हो जाते हैं केवल सम्मान मिलने से, या फिर वो उनको किसी और चीज़ की एक्सपेक्टेशन होता है? नहीं, यहाँ तो बहुत ही संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल के जितने भी बच्चे और खिलाड़ी आए हुए हैं सबकी खुशी नजर आ रही है। तथा खिलाड़ियों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से इसी दिन एक सत्र स्पोर्ट्स साइंस, एंटी डोपिंग व स्पोर्ट्स इंजुरी पर कार्यशाला भी आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करने डॉक्टर मनु बोहरा दिल्ली, डॉक्टर अवधेश कुमार ग्रेटर नोएडा एवं श्री नरेश चौधरी पानीपत से पधारे हुए थे। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, मंत्री अमरजीत भगत, रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा, महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व महापौर किरणमयी नायक, पूर्व सांसद करुणा शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के सभी जिला अध्यक्ष, सदस्य सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी और मीडिया के साथी उपस्थित रहे। देखिए, छत्तीसगढ़ में 15 वर्षों में खेल बहुत पिछड़ गया है। भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, चाहते हैं कि प्रतिभाएं बहुत हैं पर उनको अवसर नहीं मिल रहे और उनको संसाधन नहीं मिल रहे, तो संसाधन जुटाकर उनको अवसर जो मिलेंगे उस पर निश्चित रूप से वो काम करके और वो बच्चे पुरस्कृत हों, ये लक्ष्य है।
हमारे कांग्रेस पार्टी के खेल प्रकोष्ठ के जो अध्यक्ष हैं प्रवीण जैन जी, उन्होंने इस सब का बीड़ा उठाया है। और आज का जो कार्यक्रम है वो झीरम घाटी में हमारे जो शहीद हुए हैं कांग्रेस के नेता, उनके नाम से बच्चों को पुरस्कृत किया जा रहा है और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम से बच्चों को पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये बताएं कि ये तो रायपुर की बात हो गई, हम प्रदेश स्तर के बच्चों को यहाँ पे सम्मान दे रहे हैं, लेकिन वे बच्चे जो आपके दंतेवाड़ा से बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, मुंगेली जैसे छोटे जगह से बिलोंग करते हैं, ऐसे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन करने के लिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा, यहाँ बस्तर और सरगुजा से, मुंगेली से, राजनांदगांव से वो बच्चे आए हैं जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, जिन्होंने पुरस्कार जिन्होंने लिया है या खेल में भाग लिया है, उनकी खेल में सहभागिता रही है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे निश्चित रूप से सरकार इसको और आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री जी ने एक खेल प्राधिकरण जो बना दिया है और जिसमें वो स्वयं अध्यक्ष हैं, उमेश पटेल जी हमारे खेल मंत्री उसके उपाध्यक्ष हैं, सभी मंत्रीगण उसके सदस्य हैं, तो इस माध्यम से निश्चित रूप से खेल में जो प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। देखिए खेल के मैदान बन गए पर बच्चों के पास संसाधन नहीं है। अब राजनांदगांव में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने एस्ट्रोटर्फ बना दिया पर उसमें पानी डालने की व्यवस्था ही नहीं है, तो क्या ही हॉकी खेलेंगे बच्चे। तो इसलिए राजनांदगांव तो हॉकी का हब है, अगर वहाँ ढंग से स्टेडियम हो जाए और उनका सारा इंतज़ाम हो जाए तो वहाँ हॉकी के एक से एक खिलाड़ी निकलेंगे। भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के नाते इस पर वर्क कर रहे हैं और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में और प्रतिभाएं निकल कर आएंगी। तो मेरी ये बताओ कि आप अभी कितने उम्र के हो, कौन से कक्षा में पढ़ते हो और क्या चीज़ आपको मिला है आज? मैं क्लास 6 में हूँ और मैं 11 साल का हूँ और मुझे आज छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्पोर्ट सम्मान मिला है। तो अच्छा, तो ये जो आपको जो ख्याति प्राप्त हुई है, अपन किस स्तर के प्लेयर हैं, आपको कौन सा मेडल पहले मिल चुका है, सिल्वर है, गोल्ड है, कौन सा मेडल और मिल चुका है? मैं नेशनल मेडलिस्ट हूँ, मुझे नेशनल में ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड मिल चुका है और मैंने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। तो मतलब बहुत कम लोगों ने इतने कम उम्र में इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त हुई है। इनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, सर नाम बताएं। राजेश शर्मा जी, बताइए कि आपके बच्चे को ये जो सम्मान प्राप्त हो रहा है, आप बता रहे हैं कि ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं और नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इनको सम्मान दिया जा चुका है, क्या कहना है आपको अपने बच्चे के इस कम उम्र में इतने बड़े अचीवमेंट के बारे में? सर मेरा ये मानना है कि अभी की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है, सिर्फ ज़रूरत है उनकी प्रतिभा को पहचानने की। मैं इस पर कहना चाहूँगा, जब ये 5.5 साल का था तब इसने भारत की नेशनल चैंपियनशिप जीती, उस समय पूरे भारत में सबसे छोटी उम्र का नेशनल चैंपियन था ये, और 7 साल की उम्र में इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया 1 मिनट में 281.25 चला के, जिसके कारण उसे 7वीं क्लास की जीके बुक में शामिल किया गया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बच्चे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। ऋषि, अभी जो आपको अवार्ड जो सम्मान दिया गया है, सम्मान के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या इससे पहले और कुछ मिल चुका है आपको? जी सर, 2 साल से कंटिन्यू सर बेस्ट फाइटर ऑफ छत्तीसगढ़ अवार्डी एंड हरियाणा सोनीपत में नेशनल लेवल में बेस्ट फाइटर अवार्ड राजस्थान में एक बार ले चुका हूँ सर। अच्छा, तो आप ये बताएं कि जब ये ऐसा आपको सम्मान मिलता है, अभी कितने उम्र कितना होगी आपकी और कौन सी कक्षा? सर 15 साल सर, 10th क्लास। पढ़ाई 10th क्लास में सर। 10th क्लास में है, प्रॉपर आप रायगढ़ से बिलोंग करते हैं जी। अच्छा, तो ये मेरे को बताएं कि इतने कम उम्र में, 10वीं क्लास में आप पढ़ रहे हैं और इतने कम उम्र में जब इतने बड़े बड़े सम्मान आपको मिल रहे हैं, कैसा लगता है ये सम्मान पाके? सर बहुत अच्छा लगता है सर। सर बस जैसे आज सपोर्ट मिला प्रवीण जैन जी का, वैसे ही आगे भी अगर मिलता रहेगा हम सबको तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे जैसे कई खिलाड़ी निकलेंगे सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि जो रायगढ़ सेक्टर है वहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए जो ग्राउंड्स वगैरह हैं या जो सुविधाएं होनी चाहिए इस खेल को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा कुछ है वहाँ पे या कुछ कमी है? नहीं सर, कुछ भी नहीं है सर। मैं खुद सर बैंगलोर से ही मैं करता हूँ सर ट्रेनिंग, बैंगलोर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बैंगलोर में इंडिया टीम से करता हूँ सर मैं। तो क्या कहना चाहेंगे, अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार के द्वारा आपको ये सम्मान दिया गया है, क्या मांग आपकी होगी उस सेक्टर को डेवलप करने के लिए खेल के क्षेत्र में? सर प्रॉपर डाइट एंड एंट्री फीस के लिए सर मनी, जो भी सर खिलाड़ियों को लगता है उसके लिए डाइट्स, जैसे कि आज प्रोत्साहन मिला, पैसे जो एंट्री फीस में लगते हैं और प्रॉपर किट। उन बच्चों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत छोटे थे और बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत बड़ी कामयाबी अर्जित कर ली है? ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उनको इतना घर से सपोर्ट मिल रहा है और ये जब बचपन से खेल रहे हैं, मतलब कि ये उनका नेचुरल है, तो आगे बढ़ने के लिए घर वालों को सपोर्ट भी करना चाहिए। तो आप क्या चाहेंगी, अगर आप देखें तो आप अपने क्या बच्चों को स्पोर्ट्स सेक्टर में डालना चाहेंगी? मेरा बेटा है 19 इयर्स का, वो ऑलरेडी फुटबॉल खेल रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट एसोसिएशन से अंडर 17 में खेल चुका है
अभी फिलहाल वो नागपुर में प्रैक्टिस कर रहा है फुटबॉल की, बट आएगा छत्तीसगढ़ से खेलने के लिए। मेरा एक सवाल आपसे ये है, आप एक महिला है, लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स सेक्टर में कितना अपॉर्चुनिटी है, कैसा करियर उनके लिए? लड़कियों के लिए स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, जैसे काफ़ी ऐसे स्पोर्ट्स है जो लड़कियां नहीं खेलती है, और पहले जैसे मैरिज के पहले खेलती थी और बाद में नहीं खेल पाती है, तो इसके लिए सबसे ज्यादा तो घर वालों का सपोर्ट होना चाहिए। वहीं इन सबकी गरिमामयी उपस्थिति में आरजे रमझाजर द्वारा जीरम घाटी नक्सली हमला पर विशेष रिपोर्ट बनाए जाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण जैन एवं छत्तीसगढ़ कांग्रेस स्पोर्ट सेल द्वारा विशेष रूप से आरजे रमझाजर न्यूज के प्रधान संपादक हेमंत पटेल, डायरेक्टर पुखराज सिंह, असिस्टेंट डायरेक्टर राजकुमार यादव, सीनियर रिपोर्टर जियाउद्दीन खान, ललित यादव सहित पूरी टीम को प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। लास्ट सवाल यह है कि जो वीडियो हमने रिप्रेजेंट किया आरजे रमझाजर के द्वारा दिखाया गया, उस वीडियो के बारे में क्या कहेंगे और चैनल के बारे में क्या कहेंगे? निश्चित रूप से रोंगटे खड़े कर देने वाला वह वीडियो जीरम घाटी था घाटी पर आप लोगों ने यहाँ पर प्रस्तुति दिया। मैं चाहूँगा एक बार पुनः उस वीडियो को आप लोग दिखाएं, जो बाकी खिलाड़ी जो नहीं देख पाए, वो एक ऐसा वीडियो जो दिखाता है कि अपनी माटी के लिए जिन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है, हम उनसे प्रेरणा लें और अपने अपने प्रदेश के लिए कुछ अच्छा बेहतर कर सकें। बहुत ही अच्छा वह वीडियो था, सभी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया है। मैं तो अंदर से मेरी रूह कांप गई थी और मैं मतलब मेरे आंख से आंसू आ गए थे वो मोमेंट देख के। मैं इन सारे नेताओं के साथ में काम किया हूँ तो मुझे लगता है मैंने अपनों को खोया है, और आपने उस स्मृति को आज पुनः जिंदा किया है। मैं आपसे निवेदन करूँगा एक बार पुनः उस वीडियो को आप यहाँ पर लॉन्च करें। रायपुर से मारुति नंदन पांडे, शुदाबाग और ज्योति राव की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।